हेलो स्टूडेंट्स, वी आर सीइंग सी वी आर सीइंग क्लास फाइव साइंस चैप्टर नंबर टू. व्हाट इज इट? ऑर्गन सिस्टम एंड डिसीजेस, है ना? इसमें का पहला पार्ट जो है ऑर्गन सिस्टम हम देख रहे हैं. इसमें की पहली ऑर्गन सिस्टम हमने देखी है रेस्पिरेटरी सिस्टम. पूरी डिटेल में देखी है हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम. इसके बाद में मैंने आपको एक एक्टिविटी बताई थी करने के लिए रिलेटेड टू ब्रीदिंग रेट. आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने ये एक्टिविटी परफॉर्म की. आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बताया भी कि उनका ब्रीदिंग रेट कितना है. जैसे अभी यहाँ पे देखो, हाँ, नॉर्मली, नॉर्मल केस मतलब व्हेन वी आर रेस्टिंग, जब आप रेस्ट करते हो तो आपका ब्रीदिंग रेट कितना होता है? योर ब्रीदिंग रेट इज फॉर 15 टू 18 ब्रीथ्स पर मिनट. आप क्या करते हो एक मिनट में आप कितनी बार ब्रीथ करते हो? 15 से 18 मिनट तक के हम क्या करते हैं, एक मिनट में ब्रीथ करते हैं जब हम रेस्ट कर रहे हैं. जब हम रेस्ट कर रहे हैं मतलब जैसे मैं अभी बैठ के ये वीडियो बना रही हूँ, तो मेरा ब्रीदिंग रेट कितना होना चाहिए? 15 से 18 ब्रीथ्स पर मिनट होना चाहिए. बट व्हेन वी आर रनिंग और व्हेन वी आर डूइंग एक्सरसाइज या रनिंग या कुछ भी हम मेहनत वाला काम जब करते हैं, तो हमारा ब्रीदिंग रेट 25 ब्रीथ्स पर मिनट तक के क्या हो सकता है, बढ़ जाता है. हमारा ब्रीदिंग रेट कितना होता है? हमारी फिजिकल एक्टिविटी, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जब हम करते हैं तो हमारा ब्रीदिंग रेट क्या होता है? इंक्रीज होता है. क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि हमारी बॉडी को ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना? जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमें लगेगा उतना हमारा ब्रीदिंग रेट क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है? तो ये थी हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम और ब्रीदिंग रेट, रेस्पिरेटरी सिस्टम और ब्रीदिंग रेट, ठीक है? अभी इसके बाद में नेक्स्ट हम जो देखने वाले हैं वो है सी, नेक्स्ट ऑर्गन सिस्टम हम अभी कंसिडर करने वाले हैं, दैट इज एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन का मतलब क्या है? एक्सक्रीशन ये प्रोसेस है और जिसमें एक्सक्रीशन किया जाता है वो सिस्टम को हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम. कौन से सिस्टम बोलते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो एक्सक्रीटरी सिस्टम देखने से पहले हम देखेंगे कि ह्यूमन बीइंग्स में एक्सक्रीशन कितने वे से होता है. ह्यूमन बीइंग्स में एक्सक्रीशन कितने वे से होता है? तो इसकी जो मेथड है, पहला जो है आपका, देखो हाँ, अभी पहला आपका रेस्पिरेशन के प्रोसेस में एक्सक्रीशन होता है. एक्सक्रीशन वर्ड का मीनिंग पहले समझ लेते हैं अपन. हाँ, एक्सक्रीशन का मीनिंग क्या है? एक्सक्रीशन मीन्स द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट आउट ऑफ अवर बॉडी. हमारी बॉडी में जितना भी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है वो वेस्ट मटेरियल बॉडी के बाहर फेंकने का काम हम करते हैं एक्सक्रीशन में. किसमें करते हैं? एक्सक्रीशन में. पहला देखो, आपके बॉडी में एक वेस्ट प्रोडक्ट तैयार होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है. कार्बन डाइऑक्साइड काय के थ्रू बॉडी में फेंका जाता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम में, लंग्स के थ्रू, फिर नॉस्ट्रिल के थ्रू. आप क्या करते हो? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकते हो, ये पहला. दूसरा जो है, आपके बॉडी में कुछ वाटर और सॉल्ट एक्स्ट्रा का प्रोड्यूस होता है जो कि बॉडी में ज़्यादा समय तक रहे तो हार्मफुल है. ये दो सब्सटेंसेस आप क्या करते हो? स्वेटिंग, आपको पसीना आता है ना, तो पसीने में स्वेटिंग के थ्रू ये हार्मफुल सब्सटेंसेस भी आपके बॉडी के बाहर फेंके जाते हैं. तीसरा जो है हम देखते हैं इजेशन. इजेशन ये डाइजेशन की प्रोसेस है. डाइजेशन की प्रोसेस, इसमें क्या किया जाता है? जो आपकी बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड अगर आपके बॉडी के अंदर रहा ज़्यादा समय के लिए तो वो कैसे होता है? आपके बॉडी को हार्मफुल होता है. ये अनडाइजेस्टेड फूड जो है ये बॉडी के बाहर एक्सपेल करने का काम कौन करता है? आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एनस नाम का पार्ट है, कौन सा पार्ट? एनस.
ये पार्ट क्या करता है, आपका जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है, ये अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी के बाहर फेंकने का काम करता है। मतलब मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ कि इन द प्रोसेस ऑफ इजेशन द अनडाइजेस्टेड फूड is removed out of body in the form of fecus through which organ, through anus के through जो undigested part है वो क्या किया जाता है, body के बाहर फेंका जाता है। ठीक है, मैं इसके डायग्राम आपको दिखा रही हूँ। देखो ये कौन है, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम है। कौन है ये, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम है, बराबर है ना। आपने जो फूड यहाँ से एंटर किया, ये फूड जाएगा यहाँ पे, यहाँ से जाएगा स्टमक में से उसका कुछ डाइजेशन होगा, फिर ये एंटर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन की प्रोसेस होगी, डाइजेस्टेड फूड ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है ये जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये है लार्ज इंटेस्टाइन में, उसमें के भी जो वाटर कंटेंट है वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं फिर से ब्लड में, और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो यहाँ पे स्टोर रहता है। ये वाला जो पार्ट है देखो, ये वाला पार्ट, इसे बोला जाता है रेक्टम। जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसका कन्वर्शन फीकस में होता है, काय में, फीकस में, और वो रेक्टम में कुछ समय के लिए स्टोर रहता है, और उसके बाद में एनस के थ्रू बॉडी के बाहर फेंका जाता है। इजेशन इज अ मेथड ऑफ एक्सक्रीशन। इजेशन क्या है, इजेशन एक तरह की एक्सक्रीशन की मेथड है, जिसमें हार्मफुल सब्सटेंसेस, कौन से हार्मफुल सब्सटेंसेस, फीकस, बॉडी के बाहर थ्रो किया जाता है, फेंका जाता है, ठीक है, निकाला जाता है। सेकेंड जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस सेकेंड मतलब एक्चुअली फोर्थ प्रोसेस। नाउ सी, जो फोर्थ मेथड है एक्सक्रीशन की, दैट इज व्हाट, दैट इज यूरिनेशन मतलब व्हाट, द प्रोसेस ऑफ इलिमिनेट करना मतलब निकालना, बाहर फेंकना, इलिमिनेटिंग टॉक्सिक मीन्स पॉइजनस, हार्मफुल वेस्ट, सच एज यूरिया एंड एक्सेस मतलब ज़्यादा अमाउंट ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड दिख रहा है ना सर, इज कॉल्ड यूरिनेशन। यूरिनेशन मीन्स वॉट, द प्रोसेस ऑफ इलिमिनेटिंग टॉक्सिक वेस्ट सच एज यूरिया एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड यूरिनेशन। बॉडी के बाहर हार्मफुल सब्सटेंसेस फेंकना, इलिमिनेट करना। हार्मफुल सब्सटेंसेस कौन से बनते हैं हमारे बॉडी में, तो यूरिया बनता है, वाटर तो उसको कंपनी देने के लिए, या वाटर हार्मफुल नहीं है लेकिन ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहता है तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। सो यूरिया और सम एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी इन द प्रोसेस ऑफ वॉट, यूरिनेशन। यूरिनेशन के प्रोसेस में ये चीज़ें हमारी बॉडी के बाहर क्या किए जाते हैं, फेंके जाते हैं, ठीक है। सो दीज आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ एक्सक्रीशन, दीज आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ व्हाट, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के लिए देखो, अभी ये जो है यूरिनेशन की प्रोसेस के लिए ये सिस्टम हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, जिसे बोला जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। नेक्स्ट पेज में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये पेज जो है SR5, इसको हम क्या करते हैं, रीड कर लेते हैं, ठीक है। सी SR5, इसमें फर्स्ट लाइन रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। द ब्रीदिंग रेट ऑफ ए पर्सन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज्ड फिजिकल एक्टिविटी लाइक एक्सरसाइज, रनिंग, जंपिंग एक्सेट्रा। ब्रीदिंग रेट आफ्टर एक्सरसाइजिंग ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग कैन इंक्रीज टू 25 पर मिनट और इवन मोर, 25 से भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो, Why does breathing rate increase after exercising? Exercising के बाद में ब्रीदिंग रेट बढ़ता क्यों है? मैंने इसका जवाब आपको पहले भी बताया है कि
हमें एक्सरसाइज के बाद ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा एनर्जी मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आपके लंग्स को काम कैसे करना पड़ेगा, ज़्यादा फास्ट करना पड़ेगा, है ना। सो इसके वजह से हमारा ब्रीदिंग रेट क्या होता है, इंक्रीज होता है। आंसर देखो, व्हाई डज ब्रीदिंग रेट इंक्रीज आफ्टर एक्सरसाइजिंग। आंसर, व्हेन वी एक्सरसाइज अवर बॉडी नीड्स मोर एनर्जी, फॉर दिस एनर्जी टू बी रिलीज फ्रॉम द फूड इन द बॉडी मोर ऑक्सीजन इज नीडेड इन अवर ब्लड, सो वी टेंड टू ब्रीथ फास्टर टू टेक इन मोर एंड मोर एयर। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। एक्सक्रीशन मतलब क्या, डेफिनेशन यहाँ पे दी है, एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। देर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन, देर आर, हमारी बुक में दो ही प्रोसेस दी है, मैंने दो आपको एडिशनल बताए हैं। ठीक है, देर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन, इजेशन, इन दिस प्रोसेस बाय विच सॉलिड अनडाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म इन द डाइजेशन प्रोसेस आर कलेक्टेड इन द लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन एक्सपेल्ड थ्रू एनस इन द फॉर्म ऑफ फीकस। ठीक है, दूसरा है यूरिनेशन, इन द प्रोसेस ऑफ इलिमिनेटिंग टॉक्सिक वेस्ट सच एज यूरिया विच इज ए केमिकल एंड एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द बॉडी। द यूरिनरी सिस्टम इज इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ एक्सक्रीशन। ये जो सिस्टम है इसके लिए यूरिनरी सिस्टम, जिसे एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बोला जाता है, वो क्या होता है, ये प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे की प्रोसेस की तरफ। ये जो प्रोसेस है इसके डायग्राम मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाने वाली हूँ। ठीक है, चलो हम देख रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। सी, एक्सक्रीटरी सिस्टम इट इज ऑल्सो नोन एज यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम, अभी यूरिनरी सिस्टम में देखो क्या होता है, यूरिनरी सिस्टम में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं दो किडनी शेप के बीन्स। किडनी बीन्स पता है, किडनी शेप के बीन्स नहीं होते, बीन शेप की किडनीज होती है, ये आपकी किडनी है। ठीक है, ऐसे शेप इसका बीन जैसा है। हाँ, बीन मीन्स कोई तो भी सिर। एक एक पता है क्या, खाने में एक किडनी बीन्स नाम की बीन्स होती है, उनका शेप किडनी बीन्स क्यों होता है, क्योंकि वो किडनी के शेप की दिखती है, इसकी वजह से। ये दो किडनीज है हमारे पास, इमेजिन करो यहां से दो पाइप लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं बाहर, वन और ये दूसरे। जनरली क्या होता है, एक किडनी जो है ना थोड़ी सी ऊपर होती है दूसरी किडनी के कंपैरिजन में। ठीक है, ये है आपकी किडनी। कई बार किडनी ना ऐसी भी ड्रॉ की जाती है। ठीक है, अभी शेप है बीन का, कोई भी ड्रॉ करो आप तो भी चलेगा। ये दो किडनीज है, किडनीज से दो पाइप्स निकलते हैं। ये पाइप्स जो है, ये पाइप्स नीचे एक बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर एंटर होते हैं, बैग जैसा स्ट्रक्चर। और ये स्ट्रक्चर को नीचे होता है एक छोटा सा ओपनिंग। ठीक है, ये है आपकी एक्सक्रीटरी सिस्टम। सिंपल डायग्राम जो आप इजीली ड्रॉ कर सके, इस हिसाब से मैंने क्या किया, इसको ड्रॉ किया है। ठीक है, ये किडनी है, ये जो दो पाइप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दो किडनीज है हमारी बॉडी में, दो पाइप लाइक स्ट्रक्चर, इन्हें बोला जाता है यूरेटर। क्या बोला जाता है, यूरेटर। यूरेटर के बाद में ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसे बोला जाता है यूरिनरी ब्लैडर। क्या बोला जाता है, यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर को नीचे जो कनेक्टेड पार्ट है, जहाँ से यूरिन बाहर निकलता है बॉडी के, उसे बोला जाता है यूरेथ्रा। क्या बोला जाता है, यूरेथ्रा। सो दीज आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, अभी इसमें और दो चीज़ें होती हैं, यहाँ पे ऊपर
इसको क्या, ये क्या करता है पता है क्या, अपनी ब्लड में जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं ना, वो हार्मफुल सब्सटेंसेस को प्योर करने का काम जो है वो आपकी क्या करती है, किडनीज करती है, हार्मफुल सब्सटेंस को प्योर करने का काम। तो इसके लिए इसको क्या प्रोवाइडेड होती है, इसको ब्लड लाइंस प्रोवाइड करनी पड़ेंगी ना आपको, है ना। तो ये है ब्लड वेसल्स। इसको दो तरह के ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, कौन से पता है, एक जो इम्प्योर ब्लड लेके आए और दूसरा जो प्योर ब्लड लेके आए। तो ऐसे इसको क्या होता है, दो ब्लड वेसल्स इसको कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। ये है आपकी एक्सक्रीटरी सिस्टम। कौन सी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। पोर्शन कौन कौन से है इसके, किडनीज, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, चार पार्ट है इसको। और ये जो ऊपर मैंने ड्रॉ किए हैं ये क्या है, ये है ब्लड वेसल्स, एक है वेन एक है आर्टरी। अभी फंक्शन देखो इसका कैसे होता है, जो इम्प्योर ब्लड है मैंने इसको बोला वेन और ये है सपोज आर्टरी, ठीक है ना। ये जो वेन है ये क्या करती है, इम्प्योर ब्लड लाती है किडनी की तरफ। किडनी के अंदर कुछ ये प्रेजेंट होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको बोला जाता है नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन क्या करते हैं, ब्लड को प्योर करते हैं, ब्लड में से जो हार्मफुल हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस कलेक्ट करके वो हार्मफुल सब्सटेंसेस यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर किए जाते हैं। जो हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं हमारे किडनी में उसे क्या बोला जाता है, हार्मफुल सब्सटेंस को बोला जाता है यूरिन। यूरिन यूरिन में क्या होता है, यूरिन में होता है यूरिया और एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर। ये जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है वो सारे क्या, ये बैग में कलेक्ट किए और फिर हार्मफुल सब्सटेंसेस निकालने के बाद में आपका ब्लड कैसे बनेगा, प्योर ब्लड बनेगा। तो ये प्योर ब्लड ऐड किया जाता है आर्टरी में, आर्टरी इनको फिर से लेके जाती है किसके पास, हार्ट के पास, किसके पास, हार्ट के पास, ठीक है। तो ऐसा वर्क करता है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। दोनों किडनीज हमारी बॉडी में सेम वे में काम करती है, एक साथ काम करती है और ये ब्लड को क्या करती है, फिल्टर करने का काम करती है। क्या करती है एक्सक्रीटरी सिस्टम, आपके ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं। चलो टेक्स्ट बुक में देखते हैं अभी। सी यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, पार्ट्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम। हमारे यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स है, देखो किडनी, ये जो डायग्राम दिख रही है ये वाली जो दो पार्ट है ये है किडनी, पोजिशन देखो वहाँ की उसकी कहाँ पे है। आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना इसके आगे प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये किडनीज है, दो किडनीज, और ये जो है ना आपका जो कौन है, ये यूरिनरी ब्लैडर, ये होता है आपके हिप गर्डल के अंदर। कहाँ पे प्रेजेंट होता है पता है, हिप गर्डल के अंदर, हिप बोन, जिसका फंक्शन, दो फंक्शंस देखे थे हमने, एक तो ये हैंड्स लेग्स के लिए ये प्रोवाइड करता है जॉइंट और डेलिकेट ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। तो इसमें कौन सा डेलिकेट ऑर्गन प्रेजेंट होता है, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। चलो दो किडनीज, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और ये है यूरेथ्रा, ठीक है। किडनीज आर ए पेयर ऑफ बीन शेप्ड ऑर्गन्स, दे आर रेडिश ब्राउन इन कलर। किडनीज आर लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम जस्ट बिलो द रिबकेज। आपका जो रिबकेज है, रिबकेज के जस्ट बिलो वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड पे दो किडनीज प्रेजेंट होती हैं और उनका कलर कैसे होता है, रेडिश ब्राउन। दे आर प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम जस्ट बिलो द रिबकेज, ठीक है। यूरेटर्स, यूरेटर्स आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स दैट कनेक्ट द किडनीज टू यूरिनरी ब्लैडर। किडनीज को यूरिनरी ब्लैडर से जोड़ने वाला जो ट्यूब लाइक पार्ट प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज यूरेटर, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज वॉट, यूरेटर। यूरिनरी ब्लैडर इज ए लार्ज इलास्टिक मस्क्यूलर बैग लाइक ऑर्गन जस्ट अंडर अवर नेवल और बेली बटन। आपकी जो बेली बटन होती है ना, बेली बटन के नीचे यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है, ठीक है। यूरेथ्रा इज कनेक्टेड टू यूरिनरी ब्लैडर एंड इट ओपन्स ऑन अदर साइड थ्रू ए स्मॉल ओपनिंग विच हेल्प इन पासिंग आउट यूरिन। दिस ओपनिंग इज डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल। ये जो यूरेथ्रा का शेप है ये मेल फीमेल बॉडी में कैसे होता है, अलग अलग होता है, लेकिन इसके थ्रू क्या होता है, यूरिन जो है आपका, यूरिन एक नंबर जाते हो ना आप रोज,
ये यहाँ से बाहर निकलता है, बराबर है। ये काय को अटैच होता है आपके आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम का, ये क्या है, एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। तो ये थे पार्ट्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम। अभी ये वर्क कैसे करते हैं देखते हैं अपन। वर्किंग ऑफ यूरिनरी सिस्टम। द यूरिनरी सिस्टम यूजेस द अबोव फोर ऑर्गन्स टू रिमूव वेस्ट। ये चार ऑर्गन्स हम यूज करते हैं, उसके काम देखो अभी कैसे कैसे करता है, कौन कौन सा ऑर्गन। नंबर वन है किडनी। ब्लड विथ यूरिया एंड वेस्ट अदर वेस्ट प्रोडक्ट एंटर द किडनीज। किडनीज रिमूव यूरिया अदर वेस्ट प्रोडक्ट एंड वाटर फ्रॉम द ब्लड थ्रू टाइनी फिल्टरिंग सेल्स कॉल्ड नेफ्रॉन। किडनीज में छोटे छोटे सेल्स प्रेजेंट होते हैं नेफ्रॉन, जो ब्लड को फिल्टर करते हैं और उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया ये क्या करते हैं बाहर निकालते हैं। दिस वेस्ट फॉर्म द यूरिन एज इट पासिस थ्रू द नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स में से ब्लड पास होने के बाद में यूरिन क्या होता है, कलेक्ट होता है। यूरेटर। मसल्स इन द यूरेटर वॉल्स कॉन्स्टेंटली टाइटन एंड रिलैक्स टू फोर्स यूरिन डाउनवर्ड अवे फ्रॉम किडनीज टू द ब्लैडर। ये जो यूरेटर नाम के ट्यूब्स हैं, इनके मसल्स कंटिन्यूसली वर्क करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते हैं और यूरिन जो प्रोड्यूस हुआ है किडनीज में उसको कहाँ पे सेंड करते हैं, सेंड करते हैं यूरिनरी ब्लैडर में। स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन आर एम्प्टीड इनटू ब्लैडर फ्रॉम यूरेटर अबाउट एवरी 10 to 15 seconds। हर 10-15 सेकेंड में थोड़ा थोड़ा यूरिन क्या किया जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में ऐड किया जाता है। इसकी कैपेसिटी भरने के बाद में आप क्या करते हो, यूरिन को बाहर निकाल देते हो बॉडी के। यूरिनरी ब्लैडर। इट इज ए द यूरिनरी द ब्लैडर स्टोर यूरिन टिल यू आर रेडी टू गो टू बाथरूम टू एम्प्टी इट। इट बिकम्स बिग इन टू ए राउंड शेप वेन इट इज फुल एंड गेट स्मॉलर वेन एम्प्टी। ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, ये जैसे जैसे इसमें यूरिन भरा जाता है वैसे वैसे ये क्या होती है, बैग राउंड शेप की और साइज इसकी बड़ी होती है। इसकी कैपेसिटी फुल होने के बाद भी आपको लगता है कि अभी हमको जाना चाहिए और आप क्या करते हो, बाथरूम में जाके यूरिन पास करके आते हो, ठीक है। यूरेथ्रा। वेन यूर ब्लैडर इज फुल नर्व्स फ्रॉम द ब्लैडर सेंड ए मैसेज टू ब्रेन दैट ब्लैडर इज फुल एंड यू फील लाइक गोइंग टू द टॉयलेट। द ब्रेन सिग्नल्स द ब्लैडर मसल्स टू टाइटन सेंडिंग यूरिन आउट ऑफ द ब्लैडर। क्या होता है, ब्लैडर फुल होने के बाद में यहाँ पे जो नर्व्स होते हैं ना प्रेजेंट, वो ब्रेन को बताते हैं भाई मेरी कैपेसिटी फुल हो गई है, फिर ब्रेन बोलता है ठीक है फिर जाके आओ। तो फिर उसके बाद में हमें ऐसे लगता है कि हमें जोर की लगी है और हमें अभी जाना चाहिए और उसके बाद में आप क्या करते हो, यूरिन पास करते हो, ठीक है। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ योर यूरिनरी सिस्टम, ठीक है। लास्ट पॉइंट ऑर्गन सिस्टम का, इम्पोर्टेंस ऑफ यूरिनरी सिस्टम। इफ यूरिनरी सिस्टम इज नॉट वर्किंग वेल, वेस्ट मटेरियल एंड टॉक्सिन्स विल बी स्टोर्ड इन टू इन द ब्लड एंड कॉजेस इलनेस इन द बॉडी। इट इज इम्पोर्टेंट टू ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर एंड नॉट वेट टू लॉन्ग वेन यू फील द अर्ज टू पास यूरिन। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको अगर आपका ब्लड प्रॉपर वे में प्योर करना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर पीना चाहिए, और दूसरी जब आपको जाना है तो ज़्यादा समय तक आपको यूरिन को रोक के नहीं रखना चाहिए, ठीक है। ये कुछ कई लोग करते हैं ना ऐसे, बहुत समय तक एक नंबर को जाते ही नहीं। अगर आप ऐसे करोगे तो इसके वजह से आपकी किडनी के ऊपर, आपकी यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लोड बढ़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए समय समय पे आपको यूरिन पास करना चाहिए, कभी भी रोक के मत रखो, ठीक है। तो ये था अपना यूरिनरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। इसके बाद का जो पार्ट है डिसीजेस वाला, वो हम नेक्स्ट पीरियड में स्टार्ट करेंगे।